सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। होकर बेदार बेसहारों का सहारा बन, डूबने वालों की खातिर तू किनारा बन। जमाने की हो जाए जिससे रोशन राहें, तू फलक का ऐसा चमकता सितारा बन। कौन हिसाब रखे इस बात का, कितना दिया और कितना बचाया। शायद इसीलिए खुदा ने हमें खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। जिंदगी में अमीर वही होता है जिसके पास ऐसी चीजें होती है जो किसी और के पैसे से ना खरीदी जाती है। आज का पंचांग 2 मार्च 2022 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 2:04 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 2:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:39 से 2:06 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कुंभ राशि पर ही रहेंगे। मीन राशि 2 मार्च 2022 दिन बुधवार, यह समय अपने लक्ष्य के लिए गंभीरता से कोशिश करने का है। आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा। आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे, उनको कार्यान्वित करने का समय आ गया है, अब उसी पर लगाना होगा। हालांकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलता की इच्छा बढ़ेगी। उत्तम ग्रह स्थिति बन रही है। उत्तम नई उम्मीद और आशा के साथ दिन की शुरुआत भी होगी। किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनके समस्याओं का समाधान करने में भी काफी समय व्यतीत हो जाएगा। आपका मान सम्मान रुतबा बना रहेगा। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने की वजह से मन में उत्पन्न हो रही बेचैनी और नकारात्मक दोनों दूर हो सकती है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। काम की जगह आ रहे बदलाव की वजह से आपके काम में अनिश्चितता रह सकती है। पार्टनर की सेहत में आ रहे बदलाव की वजह से आपको चिंतित महसूस होगा। शुगर से जुड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। सावधानियां, अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आपके खुद के कार्यों में रुकावटें हो सकती है। पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर ही रखें। संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, परंतु प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर रखना जरूरी। आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। कुछ हफ्तों में एक प्रवृत्ति को बल मिल रहा था और उसका परिणाम आज दिखाई देगा। परिणाम दोहन करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। योग्य व्यक्तियों से मेल जोल बढ़ा कर रखें। सकारात्मक बातचीत से एक अभिनव व्यापार विचार को गति मिलेगी। जो आपके पास है उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लालच को बढ़ने न दें। आपकी आत्मा एवं अंतर्मन आपको गलत चीजों से दूर रहने में मदद करेगा। बात करते हैं सेहत की। आपके कई करीबी बीमार पड़ सकते हैं या बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं, उन पर नजर रखें। जब भी हो सके उनकी मदद करें। घर पर ही कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताएं। बाहर जाने या खाने से बचें। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुफ्त उठाना चाहिए।
आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।